हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आज आप देख रहे हैं हमारा खास शो जो आपको फिल्म जगत और एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आज के एपिसोड में मैं फिर से लेकर आया हूँ एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज। आज हम बात करेंगे टेलीविजन के फेमस शो अनुपमा के बारे में। अनुपमा में इस बार काफ़ी एंटरटेनिंग एपिसोड रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ अनुज, अनुपमा और वनराज शामिल कर बा और बापूजी को वापस घर लाने की कोशिश करेंगे और वहीं दूसरी तरफ घर बेचने की बात पर अनुपमा और वनराज शाह के बीच ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है। सीरियल के 10 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होगी जब वनराज शाह बापूजी और बा को समझाने के लिए जाएगा। वनराज शाह बापूजी को कहेगा कि आप घर चलिए और ज़िद मत करिए, लेकिन बापूजी साफ साफ कहेंगे कि वो अब घर नहीं जाना चाहते, उन्हें वहीं रहने दो, उन्हें यहीं रहने में खुशी है। वनराज को बुरा ना लगे इसलिए वो वनराज को बात मान लेंगे और कहेंगे कि घर बेच दे, हमारी बारे में मत सोच। बापूजी कहेंगे कि तूने अपने बच्चों का भविष्य देखना है और हमारा अब कोई भविष्य नहीं है, हमारे पास जो कुछ है उस घर की यादें ही हैं, इसलिए हम उस घर को अपने सामने टूटता हुआ नहीं देख सकते। आंखों के सामने टूटते हुए घर को देखना हमारे बर्दाश्त में नहीं होगा। बापूजी कहेंगे तू वही कर जो तेरा मन कह रहा है, तू वो घर बेच दे, हम कागज़ों पर साइन कर देंगे और अनुपमा भी साइन करने से मना नहीं करेगी। वनराज शाह उतरा हुआ मुंह लेकर घर लौटेगा और सभी उससे पूछेंगे कि बा बापूजी क्यों नहीं आए। स्कूल से लौटे बच्चे भी यही पूछेंगे और सवाल करेंगे कि बा बापूजी घर पर क्यों नहीं है। वनराज शाह के पास कोई जवाब नहीं होगा और बहुत पूछने के बाद वो फाइनली कहेगा कि अब वो घर लौटकर नहीं आएंगे, बा बापूजी ने घर आने से मना कर दिया है। जब डिम्पी काव्या कहेंगे कि अगर हम साथ में जाकर उन्हें लेकर आए तो क्या वो मान जाएंगे, इस बात पर भी वनराज यही कहेगा कि उनके पास अब कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा और घर के कागज़ों पर साइन कराकर वापस ले आऊँगा। काव्या भड़क जाएगी और यही कहेगी कि तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की परेशानी है, तुम ये नहीं सोच रहे कि बा बापूजी वहाँ चले गए हैं। तब वनराज शाह चिल्लाने लगेगा और कहेगा तुम मुझे बार बार ये याद मत दिलाया करो कि मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ, मैंने कोशिश की थी उन्हें घर लाने की लेकिन वो नहीं मान रहे, ये उनकी इच्छा है और मैं उन्हें ज़बरदस्ती लाकर परेशान नहीं करना चाहता। इसी बीच पाखी और तोशू भी वहीं आ जाएंगे और कहेंगे कि आप बापूजी से और मम्मी से साइन करा ले आइए ताकि हम ये प्रॉपर्टी बेच सकें। इसी बीच अनुपमा वहाँ आ जाएगी और साइन करने से मना कर देगी। अनुपमा अपनी दलील देते हुए कहेगी कि नहीं पता कि बा बापूजी के पास कितना समय बचा है और वो अपने घर में उस वक्त को बिताना चाहते हैं। कागज़ों पर साइन ना करने की बात को लेकर वनराज शाह और अनुपमा में ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि इसी बीच अनुज को भी वहाँ आना पड़ेगा। इस बीच पाखी और तोशु भी अपनी माँ पर घटिया आरोप लगाते दिखेंगे, वो दोनों कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या ही किया है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।